नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस डीएचओ कम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में जानकारी। तो लास्ट के 5 दिन बच रहे हैं आपके पास, 6 दिन, तो इन बीच आपको क्या करना है और इन सभी के बीच जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम और परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल के द्वारा जो प्रोवाइड कराया जाएगा, कैसे आपको वो प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करना है और कहाँ पर मिलेगा, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पहले हम लोग यूपी पीसीएस डीएचओ के कुछ रणनीति जो हैं लास्ट 5 दिन के उनके बारे में जान लेते हैं। तो लास्ट 5 डेज में जो है आप लोगों को अब एडिशनल जो भी चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी है, जो आपके पास सोर्स है वही रिवीजन करिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करिए। और इसके अलावा जो है सैम्पल पेपर जो है और कुछ प्रैक्टिस सेट बुक जो है आप लोगों को बताए गए थे, या सारकांतवा हुआ, ये सभी जो हैं आपको सॉल्व करना है। इसके साथ ही साथ आपको और उनका अध्ययन दोनों वॉल्यूम जो है वो एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका वहीं से आएंगे और उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका यूपी पीसीएस का लास्ट डेज का जो है करना है, इसमें जो है आपको एडिशनल कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है और सेफ स्कोर जो रहेगा वो लगभग 90+ रहेगा। जो भी लोग 90+ के करीब हैं या 90 तक हैं तो उनका सेफ सोर्स है, सेफ है उनका स्कोर, तो वो जो है उससे ज़्यादा करने की या आप आ रहा है तो उससे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो इसलिए जो है निगेटिव मार्किंग को बचाते हुए आप लोगों को करना है। तो निगेटिव मार्किंग में आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है, ये एक काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है सभी लोगों को। तो निगेटिव मार्किंग जो है आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है या क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें अगर ऑप्शन में तो ये रहता है कि दो ऑप्शन जो है आपको सेम लगता है, दो ऑप्शन जो है नहीं आपको वो बाहर है, तो दो में से अगर कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे जो है आप रिक्स ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है कभी, वो क्वेश्चन जो पूछा गया है तो उस पर जो है आप टिक टुक्का लगाने की कोशिश ना करेंगे। जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है अगर ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है, दो ऑप्शन है वहाँ पे आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे जो है आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट रखेंगे, आपको ये दिमाग में होना चाहिए, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो वो आप नहीं टिक करेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। तो वो आप मैक्सिमम जो है 120 क्वेश्चन होंगे, तो एग्रीकल्चर जो है 80 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का आएंगे। इनका जो है प्रैक्टिस पेपर जो है यूपी पीसीएस 2017 के सिलेक्टेड सर हरिओम सर के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्योंकि पेड बैच जो है हम लोगों ने प्रोवाइड किया है तो वहाँ पे जो है उनका टेलीग्राम में दिया जा रहा है। तो सर के द्वारा जो है निर्णय लिया गया है कि सभी लोग जो भी लोग हैं वो सभी को जो है पेड ग्रुप में जो है प्रैक्टिस सेट जो सैम्पल पेपर सॉल्व कराए गए हैं तो उनका देखिए यहाँ पर लिंक शेयर किया गया है, तो ये जो है आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो ये जो है हमने टेलीग्राम में भेजा भी था कि यूपी पीसीएस डीएचओ एग्जाम 1 अगस्त को होने वाले प्रैक्टिस सेट को हरिओम सर पीसीएस 2017 बैच के जो सिलेक्टेड हुए हैं उनके द्वारा तैयार किए गए, जिसमें एग्रीकल्चर और समान अध्ययन का जो है संस्था द्वारा निर्णय लिया गया है। पेड बैच वालों के साथ साथ जो है सभी लोगों को फ्री में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। 2 घंटे का पेपर का ड्यूरेशन होगा, तो उसमें जो है एकदम आपको पेपर का मॉडल जैसे ऑनलाइन एग्जाम बैठ के देते हैं उसी तरीके से रहेगा। उसमें आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन जो है आपको जो आ रहा है टिक करना है, उसमें जो है आपको शो होता रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा वो भी आपको दिखाई देता रहेगा। तो 24 जुलाई को जो है टाइम 2 PM पे जो है आपको क्विज जो है इन दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाएगा, तो ये दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका स्टडी वाला ग्रुप हो गया, इसमें लगभग 3500 के करीब पेपर जो है जुड़े हुए हैं सब, यहाँ पर जो है डेली क्विज भी PDF हैं, ये सभी जो है आपको शेयर किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस के भी मैटर जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आपको जो है जीके जीएस के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ ही SSSC पेट के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्लासेज चलेंगी, यहाँ पर जीके जीएस के लिए मेन और यहाँ पर भी आपको जो है ट्यूशन का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोनों ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिल जाएगा, तो कुछ प्रैक्टिस सेट जो है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कैसे आपको प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये आपका हो गया, आप एक सेकेंड, ये ग्रुप हो गया, इसमें जो है लिंक शेयर किया गया है,
यह है, एक हम लोगों ने जो है पिट बैच में जब चल रहा था क्लास, वो सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट होता था, तो उसी का ये लिंक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन पेपर है जिनको आपको कैसे करना है सॉल्व। तो यहाँ पर जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे, आपको अपना थोड़ा डिटेल्स जो है इसमें नेम और जो भी फिल करने के लिए मांगेगा वो फिल करना है, और सबमिट करने के बाद आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया UPPCS MSC TGT PGT टेस्ट स्टार्ट। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे नाम भरना है, तो नेम यहाँ पे अपना नाम भर दिया, मान लीजिए जो आपका सही नाम है, क्योंकि ये स्कोर जो है आपका यहाँ पे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको भरना है। इसके बाद जो है ईमेल एड्रेस आपको भरना है, तो भर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ईमेल वैसे हमने भर दिया, और कांटेक्ट नंबर, तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर जो है हमने 72 33 82 30 39 फिल कर दिया। इसके बाद जो है आपको स्टार्ट क्विज पे जाना है। स्टार्ट क्विज पे क्लिक करने के बाद जो है आपका आंसर जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल वॉल, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है राइटोसोम, एन डी है माइटोकांड्रिया। तो यहाँ पे जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर एक हो गया। इसके बाद इसी तरीके से जो है आपको क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, तो ये आपको क्लिक करते रहना है। तो यहाँ पे टोटल जो है 50 क्वेश्चन जो है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको करना है, मैक्सिमम रिसर्च इंस्टेक्ट जो है कौन सा है, फ्रूट फ्लाई है। तो ये जो है आपने आंसर किया है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबमिट आपका थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द क्विज हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये देखिए रिजल्ट जो है आ जाएगा। करेक्ट आंसर जो है एक है, और अभी तक हमने स्किप जो है 49 किया है, रंग जो है। तो इस तरीके से आपका टोटल बीता रहेगा, और यहाँ पर नो आंसर, ये आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से टेस्ट देना है। तो टेस्ट का जो है मॉक, एक यही पीडीएफ लिंक जो है आज आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शाम को 7 बजे जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। एक बार अभी सभी लोग जो है 50 क्वेश्चन इसमें हैं जो कि जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के हैं, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें क्विज सॉल्व करने के लिए सैंपल पेपर को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।